वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यार प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े ज़बरदस्त सी माश की दाल ढाबा स्टाइल बनाते हैं, या कह लो उड़द की दाल, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है जो कि प्री हीटेड है, उसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। ये दाल में तेल काफ़ी जा सकता है और घी में भी बनाई जा सकती है, लोग घी में भी बनाते हैं, बड़े मज़े की लगती है, लेकिन मुझे तेल में भी अच्छी लगती है। तो अगर आपका दिल चाहता है तो आप घी ज़रूर डालें। तो ये 2 टेबलस्पून तेल चला गया। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। ऐसी विंड चल रही है, ऐसे ख़तरनाक हवाएं जा आ रही है, दरख भी बड़े खुश है, माश की दाल खाएंगे, माश की दाल खाएंगे लहला रहे हैं। अच्छा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 साबुत काली इलायची। चले इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। जब अच्छी सी ज़ीरे में से खुशबू आने लगे तब हम डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्च। ये देखें हमारे पास छोटी बड़ी 4 है, ये डाल देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम पर ही है, प्रीहीट भी हमने मीडियम पे किया था और अभी भी मीडियम पे ही है। देखें इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम डाल देते हैं अपना 3G पेस्ट, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट। ये चला गया। हम इसे बहुत ज़्यादा सॉटे नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी अदरक की खुशबू रहने देनी है। चले अब इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून भर के तली हुई प्याज। अगर आपके पास ना हो तो आप मीडियम प्याज लेके उसे तल लें। तो चले अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून पानी। इससे क्या होगा, हमारी प्याजें बड़ी अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी, जिंजर गार्लिक और ये जो हमारी सॉटे की भी मिर्च है, ज़ीरा है, ये सब बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आम हालात में माश की दाल में बहुत तेल जाता है तो या घी जाता है, तो ये मेरी एक टेक्निकल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जिससे कम जाए और ज़्यादा लगे, तो इसलिए अभी मैंने कम डाला है, फिर हम आगे करेंगे। अच्छा देखें ये अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही नमक। चले दोबारा 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। एक मिनट मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, एक आध दफ़ा पानी डालेंगे और फिर भून लेंगे अच्छे से। देखिए हमने मसाले को 1-2 मिनट तक बड़े अच्छे से भून लिया है, 2 मरतबा हमने पानी भी डाला 1-1 टेबलस्पून। अब इसमें हम डाल देते हैं 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो आप छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं, एक दरमियाना टोमेटो, या फिर ग्राइंड भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी देखनी है, जो कि बड़ी मस्त है, तो उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप बनाइएगा, देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। चले ये देखें हमारा तेल तो ऊपर आ ही गया है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं हमारी यहाँ भीगी हुई माश की दाल, उड़द की दाल जिसे कुछ लोग कहते हैं, उसको हमने 3/4 कप दाल थी उसमें मैंने पानी डाल के 1/2 टीस्पून नमक डाल के उबालने रख दिया। और ये देखें इस तरह से उबली है कि बहुत इजीली नहीं टूट रही है, लेकिन टूट रही है। इस तरह से हमें बॉईल करनी है, ऑलमोस्ट लाइक 80-90%। तो ये 3/4 कप दाल हमारी बॉईल की भी इसमें जा रही है। अच्छे से मिला लेंगे। चलें इसको हम थोड़ा थोड़ा भूनते हैं, जब तक देखें हमारे पास यहाँ एक और पैन है उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। इसमें हम अपना तड़का रेडी करेंगे, जो मैं बता रही थी ना आपसे कि ज़्यादा ऑयल ना जाए और लगे भी कि डाला है घी या ऑयल, तो ये एक टेक्निक है कि हमने थोड़ा सा यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा हम यहाँ डालेंगे और वो देखने में लगेगा
हमने खूब सारे तेल घी में बनाया है। अच्छा देखिए ये अच्छे से हमारी भुन गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, जितना हमें ज़रूरत है। चले ये हमारा 4 टेबलस्पून पानी चला गया। अब इसको हम लगाते हैं दम पे। चूल्हा हमारा मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान है, तो चले अब झटपट हम ज़बरदस्ती, यहाँ मेरे पास एक रेड है और एक ग्रीन है, हरी मिर्चा काट लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, सुशील लग रही है मिर्चे। चले ये किनारे पे करते हैं और अब हम ढेर सारा हरा धनिया काटेंगे। अभी हम ये थोड़ा थोड़ा पतीला खोलेंगे और इसमें डाल देंगे, तो ये आधा जो है इसमें डाल देते हैं। अभी हम धनिया भी आधा डाल देंगे। और अब इसको दोबारा हम कवर कर देते हैं, इसको किनारे रखते हैं। नींबू काट लेते हैं, इसका रस डालेंगे मज़ेदार सा। और यहाँ हमारे पास एक अदरक है, इसको हम नेहारी के स्टाइल से बारीक बारीक इसकी जूलियन काट लेंगे। तो ये हम इस तरह से करके इसकी बारीक बारीक स्लाइसेस निकालेंगे। देखिए इस तरह से पहले बारीक बारीक कर लेंगे और फिर इन सब को साथ रख के कर लेंगे। चलिए ये हो गया। अब हमारा ये पैन भी अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बटर। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे अपनी हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप डालें, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और इसमें हम थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, ये देखें, बाकी गार्निश के लिए रखेंगे। ये हमारा तड़का जो है ज़बरदस्त सा रेडी है। इसको हम चूल्हे को बंद करते हैं और हमारी दाल की तरफ आ जाते हैं। दाल भी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही है। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, इसका चूल्हा भी बंद करते हैं। इसमें हम 1/2 टीस्पून नींबू छिड़क देंगे और अब हम डिश आउट करेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, डिश आउट करेंगे छोटी सी कढ़ाई में अपनी। चले ये हमारी जबरदस्ती निकल गई और अब इस पे हमारा जाएगा तड़का। ये देखें लग रहा है ना हमने ढेर सारे ऑयल में बनाया है। अब इस पे हम गार्निश करेंगे अदरक की और थोड़े से हरे धनिए की। देखा कैसे झटपट हमारी जबरदस्ती ढाबा स्टाइल मार्च दाल, उड़द दाल कह लें, वो बन गई, पता भी नहीं चला। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। खतरनाक, कंप्लीटली ढाबा स्टाइल है और वो भी झटपट। और कोशिश की कि कम से कम तेल हो और लगे ज्यादा से ज्यादा घी और तेल, क्योंकि वो तर बतर होती है, पता है ना प्लेटों में ही उस साइड में ढेर सारी आ रही होती है, जब ही मज़ा आता है। तो एक और खा लेती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ ना कि कैसा लगा मुझे आप लोग के नाम पे। अमेजिंग। चलें जाएं जल्दी जल्दी जाएं, सिंपल और आम दिनों को खास बना दें मार्च दाल से। चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल मज़ेदार फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज़।